उन्होंने ठाकुर मुख्यमंत्री से उस मूर्ति का अनावरण कराया था, उसके नाम प्लेट पर गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा सम्राट मीरवोज लिखा हुआ था। सबने देखा है, जब से तो कोई ऐतराज नहीं था, आज ये क्यों विवाद हुआ? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जनरल वी के सिंह बहुत बड़ा नाम है, गाजियाबाद से एमपी कैबिनेट मंत्री हो रहे हैं। उन्होंने गाजियाबाद के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीरवोज जी के नाम से राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम उन्होंने वहाँ करवाया। तीसरी बात, दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया जी देश के बड़े नेता मुख्यमंत्री थे जी। दिल्ली के एक नहीं दो दो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीरवोज के नाम प्लेट से दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया जी ने उनका जो अनावरण किया था। तो भैया आज ही क्यों यहाँ ये हो रहा है? और आपकी जानकारी के लिए बता दो, आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि पहले से विरोध क्यों नहीं था? जब देश आजाद हुआ था दादिन में हमारी गुर्जर स्कूल है, उसकी संस्था है, गुर्जर स्कूल है, उसकी संस्था है, 1952 में उसकी स्थापना हुई थी और वो स्कूल पूरी संस्था गुर्जर सम्राट मीरवोज के नाम पे था। और एक और बात बता दूं, वहाँ गुर्जर भी पढ़ते हैं और ठाकुर भाई भी पढ़ते हैं, लेकिन आज तक तो कभी किसी का कोई विरोध आवाज नहीं हुआ। लेकिन 2022 से ये कुछ लोगों के द्वारा अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस माहौल को गर्म किया गया और इससे बढ़कर कुछ नहीं है। एक चीज मैं कह देना चाहता हूँ